लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है इस रसल स्क्वायर की खास पेशकश में, जहां पर हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन अनदेखा मैच। और ये बैक स्टेज में क्या हो रहा है? कैसे दोस्तों, तुम्हें पता है आज क्या है? टॉर्नेडो सबमिशन मैच, रसल माफिया वर्सेस थ्री ऑफ अस। सबसे बढ़िया बात इस टॉर्नेडो मैच की, इसमें ना कोई रूल्स है ना कोई काउंट आउट है और डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं है। आज रसल माफिया कहीं भाग नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही कहा भीम, आज है हमारा टोर्नेडो मैच और ये चूहे बिल्ली का खेल आज हम खत्म करेंगे। रसल माफिया बाय 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 बाय। और देवियों सज्जनों, जैसे आपने देखा, धमकी दे दी इन तीनों ने रसल माफिया के गैंग को और आज हमें बहुत ही शानदार मैच देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और हमें बताइए मैच आपको कैसा लगा। जी हाँ दर्शकों, अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और ये मैच होता है शुरू। और जानते हैं मेरे साथ ही कमेंटेटर से, जिनको प्रोफेशनल रेसलिंग की बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है, कि वो क्या सोचते हैं कि टीम रसल माफिया आज हारेगी या उनकी जो गुंडागर्दी है वो कंटिन्यू रहेगी। जी हाँ, हमने अभी बैक स्टेज देखा कितनी आसानी से भीम, रोनी और अल्फा जी ने कहा कि रसल माफिया बाय बाय। अभी जब इनकी पिटाई होगी ना रसल माफिया के, तब इन्हें पता चलेगा इन सबकी इंडिविजुअली तो पिटाई हो चुकी है और लगता है ये ग्रुप में इकट्ठे भाईचारे में पिटाई खाएंगे रसल माफिया से। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर भीम, रोनी और अल्फा जी एक साथ आ गए हैं तो आज कुछ धमाकेदार देखने को हमें मिलेगा और ये तो मैच का रिजल्ट ही बताएगा कि कौन सी टीम मुंह काला करा के जाएगी और कौन सी टीम इस मैच में विजेता रहेगी। और ये मैच बहुत खास है क्योंकि इसमें जो रूल्स हैं वो मेरे पार्टनर आपको बताएंगे कैसे होगा इसमें विजेता। जी हाँ, ये एक टोर्नेडो मैच है, उसका मतलब ये है कि इसमें कोई टैग नहीं होगा। 6 के 6 रेसलर रिंग में एक टाइम पे हो सकते हैं और वो पिनफॉल और सबमिशन से मैच जीत सकते हैं, लेकिन रिंग के अंदर ही। यहाँ पे अभी देखिए रसल माफिया बेहतरीन टैग टीम मूव दिखाते हैं, लेकिन ये चीटिंग कर दी है अल्फा जी ने और रोनी ने यहाँ पे, और फिर से मैच में पकड़ पा ली है। और बाहर हम देख सकते हैं भीम और राहुल, जिनकी बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी चल रही है पिछले दो हफ्तों से, आपस में लगे पड़े हैं एक दूसरे को नष्ट करने के लिए। और देखिए, मैच की शुरुआत में ही धुलाई कर दी है रसल माफिया की, क्योंकि जब मिलते हैं ये तीन हाथ तो बनता है बारूद का गोला। और जो कि आज हम देख रहे हैं, इनकी रसल माफिया की धुलाई करने आ गए हैं ये तीनों, बट मुझे लगता है कोई ना कोई चीटिंग करेंगे ये तीनों मिलके रसल माफिया के, जिसमें हैं एओन, मैक और राहु। ये देखिए कैसे उछल उछल के अभी मैच की शुरुआत में मार रहे हैं, बट मुझे लगता है बहुत ही जल्दी, जब क्योंकि इन लोगों के माइंड नहीं है, बस इनके पास चीप टेक्निक्स हैं। ये देखिए, भीम तो बाहर धुलाई कर ही रहे हैं राहु की, बट जैसी वो अगर रिंग में अंदर आ जाएंगे तो भीम इन दोनों पे बहुत भारी पड़ेंगे। और ये इफ बट की तो बात की बात है, लेकिन अभी ये फिलहाल इन्हीं चीप टैक्टिक्स से बारूद के गोले को शांत कर दिया है यहाँ पे रसल माफिया ने, और अपनी गुंडागर्दी पे वो उतर चुके हैं और पूरी तरह से पकड़ बना चुके हैं इस मैच में और काफी कंफर्टेबल लगते हुए एओन, मैक और राहु। राहु अगर आप देखें ध्यान से तो वो सीढ़ियों पर पिट रहे हैं नीचे, बहुत ही बुरी तरीके से भीम उनको पीट रहे हैं। और देखिए अब रिंग में चढ़ते हुए भीम, और देखते ही दंग रह जाएंगे अभी देखिए आप, क्योंकि उनको पता नहीं है कौन आया। और ये भीम ने लगा दी अपनी पावर, दिखा दिया यहाँ पर भीम की पावर। सभी जो लोग हैं आप भीम को सपोर्ट करते हैं, रसल स्क्वायर के फैंस, रेसलिंग के फैंस। और ये देखिए फिर से बुरी हरकत में आगे आ गए हैं राहु, और बैक में वार करके फिर उन्होंने चोक करना शुरू कर दिया है। इस मैच में कोई रूल्स नहीं है तो इसलिए इनको खुली छूट दी हुई है कि ये खुले सांड जैसे हरकत करें और अपने अपोनेंट्स की धुलाई करें। फिलहाल तो यहाँ पे भीम पे राहु घर भारी पड़ चुका है यहाँ पे, और खूब पिटाई करते हैं यहाँ पे, लगता है इनका थोड़ा वेट लॉस मैनेजमेंट भी करने वाले हैं रसल माफिया। वेट लो, एटॉमिक डॉग दे दिया है, ओ बहुत ही शानदार मैं कहूँगा। ये लोग पहले से ही, क्योंकि इन्होंने टीम फॉर्म करी है तो ये वर्क कर रहे हैं रेसलिंग अपनी एबिलिटीज में, क्योंकि इनको मालूम है चीटिंग करके ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, बट अगर इनको चैंपियन बनना है रसल स्क्वायर में तो कुछ ना कुछ टैग मूव करना पड़ेगा। और उठा लिया है वो बहुत ही बेहतरीन मूव, बॉडी फ्लैश कर दिया है एओन और मैक ने,
और यही डिफरेंस मैं सभी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। एओन, मैक और राहुल ये एक टीम है, ये एक टीम की तरह वर्क करते हैं, एक फैमिली है। ये देखिए यहाँ पे अपना साइन दिखाते हैं। और दूसरी तरफ भीम, रॉनी और अल्फा जी वो एक सिंगल्स रेसलर्स हैं, उनको अभी टैग टीम का इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि रेसल माफिया ने पूरी तरह अपनी पकड़ बना ली। और देखिए मैक ने सबमिशन पे लगा रखा है हेल्स गेट में, यहाँ पे इस टाइम भीम से टैप मंगवाना चाहते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो मंच है, अभी जो मंच है वो जो देखने को मिल रहा है वो सच्चाई और अच्छाई की जीत में। ये देखिए भीम की पावर, सारे एक बार में जितने भी मूव्स लगा रखे थे सबमिशन, भीम की पावर ने सबको तोड़ दिया एक बार में ही। उठा के हेल्स गेट को रिवर्सल करके उठा दिया, बहुत देखिए क्या करिश्मा है, थर्ड रोप से जंप करके किक कर दिया है पूरे हार्ट पे राहू के, और कैसे रिंग में भी लगते हुए। मुझे लगता है अगर रेफरी इनसे पूछे ये तो मैच ही क्विट कर देंगे। वो देखिए कैसे लड़कर रहे हैं एओन, मुझे लगता है ये बिल्कुल काबिल नहीं है इन तीनों के सामने लड़ने के लिए, और बेकार में ही ये अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं रसल माफिया। ये देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए दो दो लोग रोनी को सुप्लेक्स नहीं दे पा रहे हैं, अब मुझे लगता है रिवर्सल हो जाएगा कुछ यहाँ पे। देखिए अभी दोनों ही टीमों की सेम थिंकिंग है, सुप्लेक्स लगाना चाहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए तीनों ने एक तरह से आ गए, ये क्या सुप्लेक्सों की रेलगाड़ी बना दिया यहाँ पे। यहाँ भीम की पावर आ गई, जहाँ पर भीम रहेगा जिस टीम में उसी की टीम सुप्लेक्स मारेगी। और जैसे कि आपने देखा बहुत ही बेहतरीन अनदेखी चीज़ जो कि अभी हमने इंडियन प्रोफेशनल रेसिंग में देखा ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं, एक ट्रिपल सुप्लेक्स डिलीवर कर दिया है। और सभी रेसलर धाराशाही थके हारे रिंग के कॉर्नर में, कोई नीचे कोई ऊपर पड़े हुए हैं, क्योंकि इस मैच का अंत ऐसे नहीं हो सकता। ये है टोर्नेडो मैच, और इसमें अगर मैच में जीतना है तो ओपोनेंट को सबमिट कराना पड़ेगा। और अब देखते हैं क्या होता है इस रिंग के अंदर। उधर एओन जो है रॉनी को अपना शिकार बनाए हुए है, और एक तरफ अल्फा जी और राहू और भीम ये लोग सारे भिड़ रहे हैं रिंग के नीचे, और इसी का फायदा उठाने वाले हैं मुझे लगता है मैक। कोई थर्ड रोप जी हाँ बिल्कुल, और एक मिसाइल की तरह आपने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। क्या आपने इससे शानदार सुसाइड डाइव देखा है, मुझे तो नहीं लगता। और ये बेहतरीन सुसाइड डाइव के चलते रेसल माफिया ने फिर से पकड़ बना ली है अपनी इस मैच में। और ये अब ऊपर कौन चढ़ रहा है यहाँ पे, रॉनी रसल स्क्वायर में हाई फ्लाइंग करने का इन्होंने पूरा ठेका ले रखा है। और तभी देखिए निडर होकर चढ़ गए ऊपर, ओ बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्रॉस बॉडी कर दिया है। पांच की पांच रेसलर चित्त ये भूल चुके हैं कि कुछ पार्टनर इनके भी थे, बट इन्होंने अभी धाराशाही कर दिया है सभी रेसलर्स को और रिंग की तरफ बढ़ते हुए। और देखिए राहू कैसे ने कैसे अपनी शक्ति को वापस ला के रिंग के अंदर आ गए। ओ ये देखिए क्या तरकीब करी है इन्होंने, बहुत ही देखिए ये भी भूल चुके हैं इस भिड़ंत में कि इन्होंने जो पावर बम दिया है अपने ही पार्टनर एओन पे दे दिया है। और ये देखिए अल्फा जी रिंग में पहुंचते हुए, देखना होगा क्या करते हैं ये। राहुल ने हमें दिखा दिया है कि कभी कभार सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं यहाँ पे, अपनी टीम वालों को भी नुकसान पहुंचाना पड़ता है मैच में निकले। और इस टाइम अल्फा जी के क्या है प्लान्स, और ये हवा में अजीब सी गुलाटी मार दिया, क्या कहना चाहेंगे। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक इन हिलो दे दिया है, सभी रेसलरों ने अपना पूरी तरीके से दमखम दिखा दिया है इस रेसलिंग अरेना में, पूरी जी जान लगा दी है फाइट जीतने के लिए। अब देखना होगा एओन जो कि रसल माफिया के लीडर हैं वो क्या दिखाते हैं हमें। और सारे रेसलर अपने पूरा होश हवास को वो, और यहाँ पे एओन ने दिखा दिया है कि बॉस तो हमेशा एंड में आता है। और बहुत ही बेहतरीन स्लिंग शॉट क्रॉस बॉडी मार के सबको डाउन कर दिया है। और यहाँ पे मैक एक तरफ से रिंग में अंदर घुसते हुए, और क्या वो फिर से एक हाई फ्लाइंग मूव के लिए जाएंगे, देखना ये इंटरेस्टिंग होगा काफी। मुझे लगता है अब इस मैच को यहीं पर स्टॉप करा देना चाहिए, क्योंकि ये सारे रेसलर्स ने अपनी जान लगा दी है और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। देखिए कैसे बॉडीज पड़ी हुई हैं रिंग के आसपास, सभी रेसलर्स की बहुत थके हुए हैं। और ये देखिए फिर गंदी चाल, अगर मैच में कोई रूल्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से चेन ला के कुछ भी आप करें। ये देखिए एओन की बुरी चाल शुरुआत का पैगाम, ये चेन लेके आ गए हैं। अब देखते हैं ये क्या करेंगे इस चेन का, क्या ये अपनी
गाड़ी के लिए लाए हैं चेन बांधने के लिए, साइकिल लेके आए हैं उसको बांधने के लिए, क्यों लेके आए हैं, या कि इल्लीगल कुछ करने के लिए लाए हैं चेन? ये चेन यार लाए हैं पिटाई के लिए, और लगता है मुझे आज भीम, रॉनी और अल्फा जी के पीठ पे टैटू बना देंगे इस चेन से। और यहाँ पे काफ़ी समय लेते हुए यहाँ पे आराम से बता रहे ऑडियंस को क्या करने वाले हैं वो, और रिंग में अंदर घुसने की बिल्कुल तैयारी करते हुए यहाँ पे एओन। और लेकिन ये क्या फिर से चीटिंग वाला मूव खेल दिया है? चीटिंग नहीं, ये बोलते हैं मैच को सेव कर लिया है, क्योंकि ये एक हार्डकोर मैच नहीं है। चेन लेके चढ़ रहे थे तभी रोनी की देखिए सिक्स सेंस, जैसे स्पाइडरमैन की हो, ये देखिए बात करें अगर अलर्टनेस की, यहाँ दोनों रेसलर एक ही साथ चेन पे टूट पड़े और किसी के हाथ नहीं लगी चेन दोनों के हाथ में अभी। और ये देखिए बहुत ही थप्पड़बाजी हो रही है चेन को लेने के लिए, कि चेन को लेके पहला प्रहार कौन करे। मैक और अल्फा जी एक दूसरे में घुसंडबाजी करते हुए, अब देखना होगा मैच के अंदर क्या होता है। ये देखिए भीम की पावर बाहर काम आ रही है, ओ डबल क्रॉस लाइन कर दिया, डबल डाउन हो चुके हैं ये लोग, दोनों ही डाउन हो चुके हैं रेसलर। अब देखना होगा चेन की तरफ कौन बढ़ पाएगा और दुरुपयोग कौन करता है चेन का। और एओन को भी पकड़ के रखा हुआ है रोनी ने, और बाहर ये देखिए कैसे पिटाई कर रहे हैं भीम। मुझे लगता है इन लोगों ने पूरा मैच शो किया है मैक और अल्फा जी के हाथ में, और हमें बहुत ही शीघ्र को ही देखने को मिल सकता है विजेता। और पहले ही चेन ले ली है मैक ने, और बहुत ही बेरहमी से गले में अड़ा दी है बहुत ही खतरनाक तरीके से। ये भी सज्जनों कभी इस चीज़ को ट्राई ना करें, ये प्रोफेशनल ट्रेन रेसलर्स हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है लाइक कर दें। और ये टांग में अड़ा दिया है, और बहुत जबरदस्त तरीके से अल्फा जी ने खिंचाव बना दिया है चेन के थ्रू। और यहाँ पे चेन का इलीगल तरीके से यूज करते हुए खुले हम, यहाँ पे रेफरी भी कोई किसी तरह की वो नहीं दे रहा है। मैच का रूल है, कोई रूल नहीं है इसमें, टोर्नेडो मैच है जैसे आपने ही बताया था मैच की शुरुआत में। और ये टैप आउट कर दिया है मैच ने, और जीत हो गया है, घमंड तोड़ दिया है रसल माफिया का। यहाँ अल्फा जी, रोनी एंड भीम ने, और बहुत ही शानदार एक जीत ले ली है अल्फा जी ने मैच के अंदर। और बहुत ही सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, इतना ज़बरदस्त मैच मैंने आज तक नहीं देखा रसल स्क्वायर में। और बट अगर मैं बात करूँ अल्फा जी ने, भीम ने और रोनी ने, एक टैग टीम नहीं है इनकी कोई भी, बट इतना बढ़िया अपना अपना अभिनय निभाया इस मैच में, इतनी बड़ी तरीके से बढ़िया तरीके से मैच को जीता है कि ये काबिले तारीफ हैं। और मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कमेंट करके बताएं कि रेसल माफिया को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं, क्या आप ये रीमैच देखना चाहेंगे? अगर आपको मैच पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे की मैचेस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आती रहें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।